नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट और मैं हूं आपके साथ मुस्कान सिंह। यूपी से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। होली खेलने गए युवक की पीट पीट कर हत्या, पुरानी रंजिश के चलते दिया वारदात को अंजाम। उत्तर प्रदेश के बिजनौरी में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। जी हाँ, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वारदात के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यह घटना शेरकोट थाना इलाके के हरवली गांव में हुई है। यहां रहने वाला राजकुमार उम्र 15 साल पड़ोसी के साथ होली खेलने जा रहा था। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जी हां, और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। राजकुमार के परिवार की गांव में रहने वाले राजेंद्र से पुरानी दुश्मनी थी। इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि राजेंद्र उसके बेटों, दामाद और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर राजकुमार को घेरकर जानलेवा हमला किया और उसकी हत्या कर दी। राजकुमार ने भागकर जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर वह जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। वारदात की सूचना मिलते ही सीईओ अफजलगढ़ अर्चना सिंह, एसओ शेरकोट धीरज नगर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजकुमार के भाई सुरेंद्र ने शेरकोट थाने में राजेंद्र और उसके बेटे किशन, संजय, रोहित, दामाद अर्जुन और रामगोपाल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।